एसआईटी राज न्यूज में आपके सामने दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नयागांव थाना पुलिस ने तुलसी स्मारक आश्रम से लगे मकान में हुई चोरी के साथ एक अन्य चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हत्थे चढ़ाए गिरोह चित्रकूट सीमा से लगे क्षेत्र में चोरी करने के साथ साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के रखे बैग भी पार कर दिया करता था। आरोपियों के कब्जे से चांदी की तीन प्रतिमा, कान के सोने के एक टॉप्स, नाक के सोने की एक नथ, चांदी की तीन पायल, चांदी की एक छोटी कटोरी, 8 स्क्रीन टच मोबाइल, 2 कीपैड मोबाइल, एक कारतूस के साथ देशी कट्टा, बैंक पासबुक, गैस सिलेंडर के अलावा चोरी की गई अन्य सामग्री बरामद की। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने बताया कि 11 जून 2020 को फरियादी मुन्नी लाल पिता स्वर्गीय गंगाचरण गुप्ता उम्र 64 वर्ष निवासी तुलसी स्मारक निकट अड़गड़वा थाना नया गांव ने रिपोर्ट में लेख कराया कि एक दुबला पतला लड़का रात्रि में घर पर घुसा। इस दौरान वो नींद खुलने पर हल्ला करते हुए उसे पकड़ने उसके पीछे भागे जो एक बैग लेकर भाग रहा था। फरियादी की रिपोर्ट पर नया गांव थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु गठित की गई पुलिस टीम द्वारा फरियादी के बताए हुए हुलिये के आधार पर मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया। साथ ही इस तरह की पुरानी वारदात में शामिल अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले गए, जिसमें यह बात सामने आई कि पप्पू नाम का शातिर चोर 2 जून 2020 को यूपी के करवी जेल से रिहा हुआ है। मुखबिर तंत्र से जानकारी प्राप्त होने पर नया गांव थाना प्रभारी व टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पप्पू को रेड कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक कारतूस, देशी कट्टा बरामद हुआ। पप्पू ने बताया कि वो दुबला पतला लड़का गोधा उर्फ अनुज है एवं उसके अन्य साथी भी हैं जो रात्रि में घूमते हैं, उन्होंने ही चोरी की होगी। पुलिस को गोधा नाम व्यक्ति का पता भरत घाट में एक ठेले के लिए मिला। ठेले में एक जोड़ी नए कपड़े और अन्य सामग्री भी मिली। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने चोरी का जुर्म स्वीकार किया। इस दौरान उसने एक अन्य चोरी की वारदात का भी खुलासा किया, जिसमें उसने अपने एक अन्य साथी पड़ू उर्फ घनश्याम निषाद निवासी करवी के साथ पूर्व में हनुमान धारा में चोरी करने की बात स्वीकारी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये गिरोह रात्रि में सुनसान स्थान देकर मकान में घुसकर ताला तोड़कर घर के अंदर से चोरी करता था और कामतानाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के मंदाकिनी नदी में स्नान करने के दौरान रखे हुए बैग व कपड़े उठाकर भाग जाता था। गोदा और फनुज पिता अरुण सिंह गौर उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मरझा थाना पैलानी जिला बांदा हॉल पर्यटक तिराहा थाना नया गांव पट्टू उर्फ घनश्याम पिता छेदीलाल निषाद उम्र 22 वर्ष निवासी चकमाली थाना कोतवाली करवी चित्रकूट पप्पू उर्फ बब्बू पिता रामाश्रय लोध उम्र 32 साल निवासी नादिन करमियान थाना राजापुर चित्रकूट ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। नयागांव थाना प्रभारी आशीष दुर्वे, उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह कुशवाहा, चौकी प्रभारी रुपेंद्र राजपूत, सहायक उप निरीक्षक आर के पांडे, बी एस तोमर, प्रधान आरक्षक शिव प्रसाद बागरी, आरक्षक गणेश विश्वकर्मा, उत्कर्ष वर्मा, अखिलेश पंकज, प्रबल प्रताप, विवेक सिंह, मुन्ना सिंह, श्याम लाल व साइबर सेल टीम सतना की सराहनीय भूमिका रही इन आरोपियों को पकड़ने में।